हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजिली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ यूनिट, यानी कि अगर हमको इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है यूनिट के टर्म में तो किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। राइट स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो बेसिकली अगर इनको हमको मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स तो क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो फिजिक्स के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट, तो इस मेजरमेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, मेजरमेंट का मतलब है कि हम कंपेयर कर रहे हैं एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी के साथ जो कि एक स्टैंडर्ड है। ओके, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि रेफरेंस क्वांटिटी है उसी नेचर की। यानी आप समझिए एक चीज, कोई भी सपोज कर रहा हूं कि मेरे पास ये एक पेन है। ओके, अगर मेरे को इस पेन की लेंथ मेजर करना है, नापना है कितना है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्केल लेके आऊंगा इसके बाजू में। ओके, तो जो वो स्केल है वो स्टैंडर्ड है, एक रेफरेंस है, तो उसके बेस पे हम इसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं इसकी लेंथ को दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में जो कि स्टैंडर्ड है या फिर रेफरेंस है। समझ में आ रहा है? अगर इसकी लेंथ को मेजर करना है तो स्केल रखेंगे, तो स्केल में भी आखिर ओके लेबलिंग है, नंबरिंग है, पर आखिर उससे इस मतलब इस स्केल से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, तब जाके तो बता पा रहे हैं कि कितनी इसकी लेंथ है, कितनी दूरी तक आ रहा है उसकी स्टार्ट टू एंड पे। समझ रहे हैं ये चीज? आगे देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक डेफिनेट यानी कि फिक्स वैल्यू दी जाती है। ओके, एंड उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड या फिर रेफरेंस जो सिस्टम यूज हो रहा है। राइट, यानी कि हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम एक फिक्स वैल्यू दे दे रहे हैं एज पर दैट स्टैंडर्ड एंड द रेफरेंस, एंड फिर हम उसके बेस पे उसको एक नेम दे देते हैं। ओके, नेम कैसे देते हैं, जैसे कि हमारे पास एक स्केल था, हमने स्केल बोले। राइट, ओके, तो वो क्या था, स्केल पे उसका नाम पहले स्केल नहीं था, हमने उस पर लेबलिंग की, नंबरिंग किए, एक फिक्स वैल्यू देते गए कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते 15 सेंटीमीटर। अब जहाँ पे हमने ये नंबरिंग कर लिए हैं उसको एक नया नाम दे दिए, स्केल बोल दिए, तो एक स्पेसिफिक नेम देना पड़ता है। राइट, तो बेसिकली यहाँ पे इसी को बोला गया, जो स्पेसिफिक नेम दिया गया है उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अगर मेरे को डेफिनेशन देना पड़े कि यूनिट क्या होता है किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की, तो बेसिकली मैं यही बोलूंगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो है उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, यानी कि ये बोल सकते हैं कि मेजरमेंट करने के लिए जो भी रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं जो कि दिए जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, उसी को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो बेसिकली कंपेरिजन जब हम करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके स्टैंडर्ड के बेस पे या यूनिट के बेस पे, उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट। राइट, तो यहाँ पे अब इस मेजरमेंट को जो हमने इन टर्म्स ऑफ यूनिट किए हैं उसको लिखने के लिए दो पार्ट्स में बांटा गया है। द वेरी फर्स्ट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर न्यूमेरिक बोल सकते हैं, एंड सेकेंड इज अ यूनिट। पहले आप यही लिखेंगे क्योंकि जब कभी अगर आप लिखते हैं सपोज करें 5 सेंटीमीटर, तो पहले नंबर आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, एंड सेकेंड उसकी यूनिट आती है। ओके, तो बेसिकली अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की, वो एक नंबर होता है जो हमको बताता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में कितनी वो यूनिट जो है वो इंक्लूड की गई है, यानी कि कितनी चीजें हैं उसके अंदर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एक पेन की जो लेंथ है सपोज कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 पार्ट्स, 10 यूनिट चीजें उसके अंदर बटी हुई है, यानी कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो बताता है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स पेन के ऑलरेडी दे दिया हूं, अब यहाँ पे टेबल के बारे में एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सिंपली पढ़ सकते हैं। अब मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आता हूं कि इस फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना है तो उसको लिखने का सिंबॉलिकल वे क्या हो सकता है। तो बेसिकली अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो कि अभी हमने देखे थे, इनटू साइज ऑफ द यूनिट, जिस भी आप साइज में उसको मेजर कर रहे हैं। ओके, इसको लिखने का तरीका होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, एंड यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल यू से। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू तो ठीक है हमको समझ में आ गया, बट यूनिट जो है वो चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो सेंटीमीटर भी लेंथ ही है, मीटर भी है, किलोमीटर भी है, तो सेंटीमीटर छोटी है, उससे भी छोटी है मिलीमीटर में, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं जा रहा हूँ, सेंटीमीटर छोटी हो गई, मीटर उससे बड़ी हो गई, किलोमीटर उससे भी बड़ी हो गई, और भी बड़ी है, बट अभी मैं इन तीनों के बेस में आपको समझा रहा हूँ एक चीज़ कि अगर हम इन यूनिट्स को चेंज करते हैं तो बेसिकली उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आपने सिर्फ यूनिट चेंज कर दिए
एंड उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ 1 किलोमीटर, आपने बोल दिया 1 मीटर, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? अगर आपको 1 किलोमीटर को मीटर में दिखाना है तो आपको बोलना पड़ेगा 1000 मीटर। ये हम बचपन से पढ़ते आए राइट, कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यानी कि अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज करनी पड़ती है। ओके, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो N1 U1 N2 U2 बोल सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने बोला 1 किलोमीटर तो 1 हो गया N1, किलोमीटर हो गया U1, 1000 मीटर बोल दिया तो N2 हो गया 1000, U2 हो गया मीटर। तो यहां से एक रिलेशन समझ में आता है स्टूडेंट्स हमको, जो कि इस बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लिख सकते हैं N1 U1 में भी या फिर N2 U2 में भी, ये दोनों ही चीजें इक्वल है। तो उस केस में यहाँ पे एक रिलेशन होता है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल यू, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके यूनिट के। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, वैसे तो शायद मैंने आपको पहले बताया हुआ है और नहीं बताया हुआ है तो आज बताता हूँ। ओके, मान लीजिए हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। ओके, दो रिलेशन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, दोनों को समझिएगा। एक मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक होता है इनवर्स प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, अगर ये भी बढ़ेगा, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, लेकिन अगर एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है, ये याद रखना। ये हो गया डायरेक्ट प्रपोर्शन का रिलेशन। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इनवर्स प्रपोर्शन का, जो कि अपॉन में है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ क्या होती है, कम होती है। इसी को बोला गया इनवर्स प्रपोर्शन। तो इसका मतलब अगर जितनी बड़ी आप न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो उतनी ही छोटी वो यूनिट होगी, या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं, जितना छोटा वैल्यू आप लेंगे ओके उतनी ही बड़ी यूनिट होगी उसकी। जैसे कि 1000 मीटर, मीटर छोटा हो गया, नंबर बड़ा हो गया, लेकिन 1 किलोमीटर, 1 छोटा हो गया, किलोमीटर बड़ा हो गया। यानी कि एक चीज छोटी होगी तो दूसरी चीज उतनी ही बड़ी होगी, ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही,